इस साल भी ईद आएगी मगर मुख्तलिफ अंदाज में मनाई जाएगी। कपड़े नए नहीं लेकिन खास होंगे। इस ईद बाजार नहीं जाएंगे, मैं और ईमान पुराने कपड़ों को नया बनाएंगे। ईद गले मिलकर नहीं लेकिन मिलेंगे जरूर। ईदी हाथ में नहीं लेकिन मिलेगी जरूर। इस ईद मुबारकबाद दिल पर हाथ रख कर दूंगा। और कुछ घरों में तो ईद बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। आपको ईद मुबारक। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ईद ऐसी भी गुजरेगी। ईद पर अपने इर्द गिर्द कोरोना के मरीजों को खुशियों का हिस्सा बनाना है, फासला रखना है, दूरियां नहीं, घर पर रहें। जिम्मेदार रवैये और पुख्ता इरादे से कोरोना के साथ अपनी पहली और आखिरी ईद को महफूज बनाएं। इस ईद यही कोरोना को रोकने का तरीका है।